घुसा ना इधर। ओए माँ। आ। इधर इधर भी। आ रे। पीठ में घुसा। आ। जंजट सिंह। ओए माँ। मैंने सुना दिन भर गुजारा और रात को बत्ती बुझा रहा तू। ए। ओए माँ। दो चाय बोल। क्या हो सरपंच साहब, ये गोले क्यों चला रहा? अरे दो गोली चलाए ना तो दो चाहेंगी। ऐसा अरे मेरे बाप, ये चार गोले की आवाज क्यों है? ये सरपंच साहब, अरे वो पहले चार चाय के पैसे मांग रहा था दादा। बोलो बिजली। अरे क्या तुम भी गोले चला चला के चाय मंगा रहे? अनु चाय वाला भी हा? चार गोले चला के चार चाय के पैसे मंगा रहा। तुमने और तुम्हारे ये गांव वालों ने जो मिलके है ना, मेरी बहन खुजली को जो सताए और उसने जो तुम लोगों को ये बद्दुआ दिया है ना, इसके वजह से ये पूरे गांव को खुजली की बीमारी लग गई है और मेरे को भी लग गई तुम लोगों के वजह से। माँ मुझे भी बहुत खुजली हो रही है। चले बेटा, क्या बैठता इन लोग के पास? अरे मेरे बाप, मेरी औलाद मेरे पास नहीं बैठ रही। ओ सरपंच साहब, अरे कुछ करो ना, खुजली का पूरा गाँव खुजा रहा, सब परेशान हो गए। अरे सरपंच साहब, क्या बताना तुमको? Oh, no! खाना पीना दुश्वार होगा मेरा। औरत को बोलता खाना बनाओ तो बोलती खुजाऊ क्या खाना पकाऊ। अरे कुछ करो यार सरपंच साहब, तुम खुद इतनी तकलीफ में और पूरा गांव भी तकलीफ में। मेरे बाप रे, इतनी कम जमीन में खड्डा क्यों कर रहा? अरे वो जमीन नहीं खोद रहा, आंग खुजा रहा। अरे मेरे बाप, ए उठ रे, अरे मुंगूस के जैसे गड़बड़ कर रहा है। अरे सरपंच साहब, अरे खुजली का कुछ करो तो। अरे खुजली के पैरों ना कुत्ते बिल्लियां मैसा गाया सब परेशान है। अरे हम तो इंसान है, खुजा लेंगे लेकिन जानवर कैसे खुजाएंगे? अरे ये वजह से सारे जानवर ना दांत जोड़ के चले जा रहे। तो क्या कर रहा, तू भी जानवर साथ निकल जाना। अरे सही बोले सरपंच साहब तुमने, एकदम सही बोले। वैसे भी इसकी गिनती क्या इंसानों में आती क्या? ये कुछ जानवर दिखता ना, उन्हें भी चल जाना था ना वो जानवरों के साथ, तेरा भी खुजा लेता और जानवरों को भी खुजा देता था। सही बोला तूने। ए खुजली मिटा लो खुजली, ए 5 रुपए में हाथ की खुजली मिटा लो, 10 रुपए में पाँव की खुजली मिटा लो, ए 15 रुपए में पेट के पीठ की खुजली मिटा लो, ए आ जाओ खुजली मिटा लो, ए खुजली की दवा, ए खुजली की दवा, ए खुजली मिटा लो, ए खुजली मिटा लो खुजली, ए खुजली मिटा लो। ए राजू, ओह नो, सरपंच साहब ने आवाज दी, इसका मतलब पूरा माल ले लेंगे वो। चल राजू। हाँ बोलो सरपंच साहब। कह रहे राजू, तू खुद गुजारा और लोगों बोला खुजली मिटा लो। अरे सरपंच साहब, मैं ये खुजली मिटाने का इससे बेच रहा कि पूरे गांव को खुजली की बीमारी हो जाए, ले पूरा गांव ये देखो ये ऐसा 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 खुजा रहा। ये देखो सरपंच साहब, ये जो दिख रहा ना, ये चाइनीज खाने का चमचा नहीं है, हाँ ये पीठ खुजाने का। ये देखो ये ऐसा करे क्या, खर 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 खर। देखा वो उसकी उसकी चालाकी से आंग खुजा ले रहा उसका। अरे सरपंच साहब, उनको उनका धंधा भी कर ले रहे हो, अंजाइए से ना खुजा भी ले रहे हो। जंगल सिंह ला तो एक पीठ खुजा के देखता। और खुजा तो मेरी पीठ, ट्राय मारते कैसा है। आहा, क्या बात है राजू, अच्छा लग रहा है, खुजा सुकून लग रहा अभी। बोलो सरपंच साहब, कितने वाला दू, 50 वाला 75 वाला का 100 वाला? अरे गांव का सरपंच है और तू मेरी इज्जत ले रहा? अरे मेरी कुछ इज्जत है क्या नहीं? अरे जब मुझे सुकून लगा, मुझे अच्छा लगा, अरे मेरी तरफ से सबको दिला दूंगा मैं। चल दो दे इनको, इसको एक दे, इसको एक दे। अरे हेलो रे, हेलो हिट साला। अरे ओ सरपंच साहब, ये खुजाने से आराम तो मिल रहा हो लेकिन ये पूरा बदन लाल हो जा रहा, देखो। अरे सरपंच साहब, ये खुजाने से लाल हो जा रहा ना तो इसका पाउडर मिलता,
वो बाजू की गली में खरमाटे पाउडर बेच रहा, उसको फोन लगा के बुला लो। आ गया पाउडर वाला, आ गया खुजली मिटाने, आ गया खुजली मिटाने वाला, आ गया। खरमाटे मैं सरपंच बोल रहा, चुक्कू के मल्ले में आ जाया, जल्दी आ। हाँ सरपंच आ रहा, आ रहा हूँ खरमटिया। ओह नो, क्या आ गया? क्या सरपंच साहब, कुजाने से लाल लाल हो जा रहा क्या? हाँ कुजाने से लाल लाल हो जा रहा, और पाउडर की डब्बी सबको एक एक दे दे। ओह नो, तो गांव में बांट दे पाउडर। लो चीचा, लो भाई। पांक, ले पकड़ रहे। लो चीचा, लो ले। ऐसा क्या कर रहा तू? अरे मैं भी लगा रहा दवा। ओ भाई, अरे तेरा लगा के कोई फायदा नहीं, तू एक काम कर, गिलास भर के पानी ले और उसमें दो चमचे डाल के ऐसा घोल के तीन बार पी। सरपंच साहब इसको समझा दो भले क्या, नहीं तो एक मारूंगा, नहीं पिछड़ जाएगा वो। पिछड़ जाएगा वो? ओहो, अरे बेटा तेको उसने पकड़ भी लिया ना तो ऐसा कपड़े के गत निचोड़ डालेगा और रस्सी पे अड़कने डाल देगा, बोले पिछक जाएगा। ड्राइवर गाड़ी साइड में लगा दे और तू भी खुजा ले। क्या हो झंझट सिंह, ये सूट बूट में चिंपाजी इधर कहाँ आ रहा? अरे गुच्चू बैठ, वो चिंपाजी नहीं डॉक्टर है और सरपंच साहब ने फोन करके उनको बुलाए ले अपनी खुजली का इलाज करने के वास्ते। ऐसा क्या? बोलो। पानी में जले मेरा गोरा बदन, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले बाबा। क्या डॉक्टर साहब, शहर में दो दो पेशेंट को चेक कर रहे? अरे मेरे गांव में ना होलसेल से पेशेंट पड़े ले, ये सबको खुजली हो गई है। अरे मेरे बाप रे, क्या डॉक्टर साहब तुमको भी खुजली है क्या? अच्छा ये बात है, अरे तो तुम टेंशन का ले सरपंच साहब, मैं इनका इलाज आज से चालू कर देता। डॉक्टर साहब आज किसी का इलाज मत करो, वो क्या है ना कल मेरे पूरे की मंगनी है, उसके बाद तो मैं आज क्या करूं सरपंच साहब? अरे आज पूरे की मंगनी खुशी में नाचेंगे और गाएंगे और हम खुजाएंगे। हाय दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो खानदेश की खुजली पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी कमेंट्स लिखे और हमारे चैनल खानदेशी एंजॉय को सब्सक्राइब कीजिए।